हाँ जी गुप्ता मोदी बचाओ देश बचाओ। 2014 तो पहला बड़िया बड़िया गल्लां कीतियां सी तुसी दूजे सरकारां दे उत्ते सवाल चकदे सी, अज तुहाडी अपनी सरकार तुसी अपनी सरकार दे विच बैठ के कोई जनता की गल ही नहीं करते हैगे। सत श्री अकाल दोस्तों, चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे स्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। जिस तरह महंगाई की मार जिहड़ी है लगातार वधदी जा रही है, जेकर डीजल ते पेट्रोल दीआं कीमतां दी गल कीती जावे उह वी जिहड़ा आसमान नूं छू रहियां ने, घरेलू घर दी वस्तुआं दी गल कीती जावे उहदा समान जिहड़ा है लगातार वधदा जा रहा है। पर अज व्यापारी वर्ग वल्लों पटियाला दे विच प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि लगातार महंगाई जिहड़ी वधदी जा रही है, पर हर वर्ग जिहड़ा महंगाई नूं लैके दुखी नज़र आ रहा है। सो तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो पटियाला दे विच जिहड़ा अनोखे ढंग दे नाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह खच्चर दे उपर सिलंडर ते आपां मोटरसाइकिल जाके जिहड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है ते लोकां नूं जगाउण दी कोशिश की जा रही है। भी सरकारां जिहड़ियां ने उह लगातार डीजल ते पेट्रोल दीआं कीमतां च वाधा कर रहियां ने, पर आम लोग जिहड़े ने उह दुखी नज़र आ रहे हैं। तुहानूं तस्वीरां एक बार फिर दुबारा दिखावांगे। मोदी बचाओ देश बचाओ, क्योंकि हर वर्ग जिहड़ा किसान की गल की जाए वह भी अज जिहड़ा दुखी नज़र आ रहा है। व्यापारी की गल की जाए हर वर्ग जिहड़ा है केंद्र सरकार तो दुखी है। दूजे पासे पेट्रोल ते डीजल की कीमतां जिहड़ियां लगातार वध रही ने, क्योंकि अजकल दे समय दे विच पेट्रोल ते डीजल हर एक नूं जिहड़ा जरूरी हो चुका है, पर जिहड़ा रेट है वह आसमान नूं छू रहा है। सो गलबात करते हैं, अज तुसीं अनोखे ढंग दे नाल प्रदर्शन किया है, की मैसेज देना चाहुंदे हो सरकारां नूं? मैं राकेश गुप्ता, प्रधान व्यापार मंडल पटियाला। अज असी जो प्रोटेस्ट किया है राजपुरा रोड पटियाले पुरानी चुंगी के उपर, असी व्यापारियों के नाल साडे नाल शहर दियां होर भी बड़ियां एसोसीएशनां ने साडा साथ दिता है। और क्योंकि अज सारा वर्ग जिहड़ा हैगा ना, बेशक व्यापारी वर्ग है चाहे कोई भी है, बेशक नौकरी पेशे वाला हैगा, अज जो देश के हालात ने उस तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अज जे असी महंगाई की गल करते हैं, पेट्रोल डीजल की गल करते हैं, भी इन्ने ज़्यादा रेट बढ़ गए भी अज किसी भी जिहड़ा घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चे पलने मुश्किल हो गए। तकरीबन पिछले 1.5 साल तो जदों तो करोना की बीमारी आई है देश के विच, उदों तो व्यापार भी घटे भी ने, व्यापार बंद भी होए ने, नौकरियां भी गई ने, कईयां नूं नौकरियां तो अपना हाथ भी धोना पै गए हैं। पर साडे देश दे जिहड़े प्रधानमंत्री, सानू पूरे देश नूं ये समझ नहीं आ रही कि वो साडे देश दे प्रधानमंत्री साडे देश वास्ते कोई वधिया करनगे, पर यह देखण नूं मिलदा दिन पर दिन तो हर वर्ग जिहड़ा हैगा तंग हो रहा हैगा। अज जदों असीं स्कूटर मोटरसाइकिल च तेल पाउंदे आ, असी अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुँचते, उस तो पहला ही तेल खत्म हो जाता। जे असी किसी दिहाड़ी वाले बंदे की गल करते हैं, वो घरों निकलता इस उम्मीद के नाल भी मैं तेल पवा के पंप तो जावा तो मैनू दिहाड़ी मैनू मिलेगी, तो मैं शाम को अपने बच्चों वास्ते रोटी रोजी वास्ते पैसे लेके आऊँ। एक तो उन्होंने अगर दिहाड़ी नहीं मिलती तो अगर जरा 150 का तेल पाँगा वो रस्ते दे विच ही मुक जांदा है। भी इस तरीके दे नाल बहुत ज़्यादा मतलब के परेशानी है। भी जे मैं एक व्यापारी होने के नाते इतने ये भी दसना चाहूँगा भी जो चीज़ा जिमें पेट्रोल डीजल बिस्की और गैस की गल करते हैं, भी ये चार चीज़ा जड़िया ने केंद्र सरकार ने मोदी सरकार ने जो तो GST लग्यागा इनू GST के दायरे में नहीं लिता है। भी जे इन्हों GST के दायरे ले लिता जाए तो भी कुछ साढ़े देश के वर्गों कुछ जनता को रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि वैट जोड़ा है बहुत ज़्यादा हैगा और GST जोड़ा है मैक्सीम 28% है। बेशक दूजे कंट्रिया के मुताबिक देखते हैं साढ़े देश के जोड़ा 28% GST है सारी कंट्रिया नालों वध है, पर बैट उस तो भी ज़्यादा सीगा। भी मेरी बेनती उरे यही है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो साडे देश दे ने उन्हां तो मंग यही है भी जिहड़ियां चीज़ां पेट्रोल डीजल गैस और विस्की जिन्हें डीजल जिहड़ियां GST दे दायरे च नहीं हैगियां उन्हां नूं GST दायरे लिता जाए। और जदों पेट्रोल डीजल वगैरह के रेट कच्चियां दे घट रहे ने तां तुसीं इहदे पक्के तेल दे रेट क्यों वध रहे ने? भी ये तुहाडी जिम्मेवारी बनती है अज जनता वास्ते तुसी अगे आओ। जो तुसी जदों इलैक्शन तो पहला 2014 तो पहला बड़ियां बड़ियां गल्लां कीतियां सी तुसी दूजे सरकारां दे उत्ते सवाल चकदे सी, अज तुहाडी अपनी सरकार तुसी अपनी सरकार दे विच बैठ के कोई जनता की गल ही नहीं करते हैगे। कोई नौकरी किसी नूं नहीं दे रहे, धर्मां दे नाम नूं तुसी लड़ा रहे हो, वंड रहे हो। भी अज पूरे देश का जिहड़ा माहौल है खराब होया पिया, तो यह बिल्कुल गलत गल है। असी व्यापारी होने के नाते असी अगे वड्डे संघर्ष की भी तैयारी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किया गया अनोखे ढंग ने, प्रोटेस्ट किया खच्चर के उपर रख के, ये संदेश की सी कि ये मकसद की सी तुहाडा? ये साडा संदेश ये सी भी जदों असी घरों निकलते हैं असी अपनी जरूरत मुताबक तेल पवाने हैं तो असी अपनी मंजिल तक नहीं
पहुँचते जो असी घर वापस आने तो वह स्कूटर मोटरसाइकिल खच्चर रेड़े के उत्ते लद के सानू अपने घर तक या मंजिल तक पहुँचाना पैंदा है भी इन्ना ज़्यादा महंगा तेल हो गया वह सरासर गलत है। अंकल जी जिस तरह मोदी साहब ने कहा भी अच्छे दिन आ गए हैं, महंगाई पर लगातार माजरी बढ़ रही है कि वाकई हूँ अच्छे दिन ही है? हाँ जी हाँ बहुत अच्छे दिन है, मोदी साहब ने जो लिया बहुत अच्छा कर रहा है, पर जो आम जनता सब दुखी ने तो ये नहीं होना चाहिए। मोदी साहब ने जो रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल दे गैस दे ये बहुत माड़ी गल है सारी जनता वास्ते सारे देश वास्ते। मांग करते हैं जी इन्हों रिलीफ दिता जाए, रेट घटाए जान, नौकरियां दित्तियां जान, जेडे इन्हों ने वादे करे सी भी असीं नौकरियां देवांगे उल्टा नौकरियां जा रही हैं। सो बिल्कुल जिस तरह ना देखिया तस्वीरों के अनोखे ढंग के नाल जिहड़ा प्रदर्शन किया गया क्योंकि महंगाई की मार जी है लगातार पै रही है, पर आम जरा जन जीवन भी वह भी प्रभावित होया पै क्योंकि आम लोगों जरा जीना बहुत मुश्किल होया पै क्योंकि तेल तो डीजल की गल की जाए हर वर्ग जी है लोड़ है कितना कित अज इन्होंने जरा सरकार जुगाने की कोशिश की है जिस तरह तस्वीरों के देखिए। पटियाला तो अमरजीत सिंह की रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।